जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई शनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, सियाचिन में शहीद हुए धूले सैनिक मनोहर पाटिल सियाचिन क्षेत्र में ऑपरेशन मेघदूत में अपनी ड्यूटी निभाते हुए धोला के बेटे भारतीय सेना के जवान मनोहर पाटिल वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। वह धूले तालुका के निहालोद गांव के निवासी हैं। धूले जिला प्रशासन ने बताया कि आज दोपहर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जवान मनोहर पाटिल के परिवार में उनकी पत्नी मायाबाई पाटिल, 9 साल की बेटी, माता पिता और 4 भाई हैं। धूले सैनिक मनोहर पाटिल सियाचिन में शहीद हुए हैं। वर्ष 2002 में वह भारतीय सेना में शामिल हुए। मनोहर रामचंद्र पाटिल 42 वर्षीय एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे। वह वर्तमान में भारतीय सेना के साथ सुपर कोल्ड सियाचिन में ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत में फील्ड वर्कशॉप में ड्यूटी पर थे। 16 जुलाई को देश में सेवा करते हुए उन्हें गंभीर सिरदर्द हुआ और उल्टी होने लगी, जब मौसम ने उनकी रक्त वाहिनियों को जमा दिया। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज़्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर जवानों के लिए, और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।